बंद कर दीजिए, ब्रेक से बंद कर, बंद कर पंखा दीजिए। देश के विभिन्न राज्यों से श्रमिकों को लेकर ट्रेन अब छत्तीसगढ़ पहुंचने लगी है। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख श्रमिकों को लाया जा रहा है, जिसके लिए कई फेरों में ट्रेनें छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। देश के अन्य राज्यों की राजधानी या फिर बड़े शहरों से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन सबके बीच एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अनेकों श्रमिक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ से ट्रेनों तक पहुँच पाना उनके लिए असंभव सा हो गया है, क्योंकि जहाँ से ट्रेनें चलाई जा रही हैं वहाँ से ये श्रमिक 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही अम्बाला में छत्तीसगढ़ के करीब 65 श्रमिक फंसे हुए हैं। हमारे सूत्रों के माध्यम से हमने इन श्रमिकों से संपर्क किया। श्रमिकों का कहना है कि स्टेशन तक पहुँचने के लिए उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें अपने राज्य पहुँचाने की व्यवस्था करे। रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की घोषणा के बाद से ही श्रमिकों को घर लौटने के लिए आशा की किरण दिखाई दी, और अब प्रदेश के कई हिस्सों में फंसे श्रमिक अब अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था न हो पाने के कारण इनकी दिक्कतें बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर। हमारे तरफ से विनोद भाई बोलना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला है, हमारे लॉकडाउन में फंस गए हैं अम्बाला में आके, तो हमारे तरफ से कुछ बोलना चाहता है, बोलिए। हम सब छत्तीसगढ़ के मजदूर भाई लोग हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से अम्बाला काम करने के लिए आए थे, और आज हम लोग अम्बाला में यहाँ फंस गए हैं लॉकडाउन के चक्कर में। लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, 14 दिन 21 दिन ऐसे करते करते आज खुलेगा कल खुलेगा बोल करके हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि खुलेगा तो हम अपना राज्य अपना गाँव जाएंगे बोल करके, लेकिन लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा है। रोज प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और दिन पहुँच रहा है और बढ़ रहा है। ऐसे करते करते हम लोग को बहुत दिन हो गया, और हम छत्तीसगढ़ अपना राज्य जाना चाहते हैं, और यहाँ पे जहाँ भी हम लोग अम्बाला में फंसे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग 60-65 लोग रहते हैं एक ही घर में, एक ही छत में, एक ही रूम में, और यहाँ इतने लोग रहते हैं, और यहाँ तो रहने के लिए भी जगह नहीं है और खाने के लिए भी साधन सुविधा नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ काम करने आए थे वहाँ काम भी नहीं चल रहा है, और हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं, और हम लोग को घर जाने के लिए ना तो यहाँ से साधन सुविधा है, ना तो गाड़ी है, ना तो कुछ है, और बोले गांव से कि पंचायत में लिखवाने के लिए बोले कि वहाँ लिखवाओ और तुम अपना एड्रेस पता सारा चीज़ दो, और तुम लोग को वहाँ से लाने के लिए गाड़ी भिजवाया जाएगा या तो वहाँ से भिजवाया जाएगा। तुम लोग को बोले ना तो वो सुविधा हम लोग को मिल रहा है ना तो कुछ, और सरकार बोल रहा है कि अभी मतलब कि ट्रेन चलाया जा रहा है, बस चलाया जा रहा है, तो जहाँ पे हैं वहाँ से हम लोग को जाने के लिए ना तो ट्रेन है ना तो बस है। बोल रहे हैं कि बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, और उसमें भी कई प्रकार के नियम है, कई प्रकार के मतलब के नियम बनाया गया है कि उसमें हम लोग को उसमें भी जाने के लिए हम लोग को दिक्कत हो रही है, और यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर दिल्ली जाने के बाद में ट्रेन बैठने के लिए मिलेगा, और इधर हम लोग के लिए पंजाब जाने से उधर भी 250-300 किलोमीटर जाने के बाद में ही ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं, जैसे जिस प्रकार से सरकार बोल रही है उस हिसाब से। और हम लोग के लिए यहाँ पे यहाँ से जाने के लिए भी दिक्कत है और निकलने के लिए भी दिक्कत है, हम लोग रूम में ही पड़े हुए हैं, और हम लोग अपना गांव अपना घर जाना चाहते हैं, हम अपना परिवार को छोड़ करके यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए, मजदूर करने के लिए हम अपने गाँव से अपने राज्य से यहाँ पे आए थे। जब आए थे उस समय हम लोग सोचे कि 1-2 महीना काम करेंगे उसके बाद में वापस लौट जाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए वो समय वो वक्त नहीं मिला कि हम अपने राज्य वापस हो सके। अभी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि ना तो हम घर जा सकते हैं ना यहाँ रह सकते हैं, ऐसी स्थिति हो गया है। अभी बात हम लोग के लिए पता नहीं चल रहा है, यहाँ दिन प्रतिदिन हम लोग परेशानी में फंसते जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि 14 दिन का लॉकडाउन हुआ, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, ऐसे ही दिन प्रतिदिन लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। आज खुलेगा कल खुलेगा तो हम लोग घर जाएंगे, अपना देश पहुंचेंगे, अपना राज्य पहुंचेंगे बोल करके हम लोग सोचते रह रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए जाने के लिए भी कुछ साधन सुविधा नहीं है, और अभी भी बोल रहे हैं कि गाड़ी ट्रेन चल रही है बोल रहे हैं, उसमें भी कई प्रकार के मतलब के नियम है,
जिसके कारण से हम लोग को सारा चीज में दिक्कत हो रहा है। और जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से वहाँ का स्टेशन में तो ट्रेन चल नहीं रही है। दिल्ली दिल्ली से है वो इधर पंजाब से है, और दिल्ली भी हम लोग के यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है, और पंजाब भी वैसी 400-500 किलोमीटर दूर है। और हम लोग जाएँ तो ट्रेन चढ़ने के लिए भी कैसे जाएँ, वहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं है, ना तो हम लोग को अपना खुद का साधन सुविधा बनाने के लिए भी कुछ भी उपाय नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस बोल करके हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग का निवेदन है कि सरकार से, हम लोग के छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से या कोई भी सरकार से, कोई भी जो नेता से, कि वो ऐसा करे कि हम लोग यहाँ जितने फंसे हैं 60-65 लोगों को, हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ हम लोग को पहुँचाने के लिए हमारी सहायता करें। चलो स्टार्ट। बोला नहीं, हम लोग सब लोग घर जाना चाहते हैं, बोल करके बोला। हम लोग घर जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ घूमने। हेलो बोलो। हम छत्तीसगढ़ घूमने सभी लोग घर जाना चाहते हैं। हम साथ करते हैं कि हमारे भूपेश पटेल जो हमारे साथ हैं और हमको यहाँ से